हरे कृष्णा। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसे हम संशयों के परे जा सकते हैं, हाउ टू ओवरकम डाउट्स। रामायण का एक प्रसंग लूंगा मैं और उसके आधार पर तीन मेन पॉइंट्स दूंगा और हम उस पर चर्चा करेंगे, और हर एक पॉइंट फिल होने के बाद मैं उस पर कुछ सवाल आपको हो सकते पूछ सकते हैं। जैसे हम तीन चीज़ें देखेंगे। रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जो होते हैं उनके प्रधान सहयोगी जो होते हैं वो वानर होते हैं, और ये वानरों का और प्रभु श्री रामचंद्र का मिलन जो होता है पहली बार वह जंगल में होता है, जब सीता देवी जो है उनका अपहरण हो चुका है। और तभी श्री रामचंद्र जो पहले ऊपर चित्रकूट में थे, फिर उसके बाद में दंडकारण्य में आ जाते हैं, फिर वहाँ से और नीचे वो दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, तो किष्किंध में आते हैं। जब वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे एक वानर होता है, वानरों का छोटा सा यूथ होता है, समूह होता है जो उन्हें देखता है। तो ये वानरों का प्रधान कौन होता है उस समय? कौन? सुग्रीव। सुग्रीव होता है। तो अभी उस समय सुग्रीव एक पहाड़ के ऊपर बैठे होते हैं और वहाँ से वो देखते हैं ये कौन आ गया है। जब वो वहाँ पे देखते हैं ये तो ऋषि जैसे लग रहे हैं कोई। जब जंगल में होता है कोई तो हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति में साधारण क्या क्या आवाज़ें होती है वह हम उससे अकस्टम्ड हो जाते हैं, उससे हमारा परिचय हो जाता है, तो उससे ज़्यादा विचलित नहीं होते। अभी आप ये प्रवचन सुनने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सी आवाज़ें हैं पीछे, थोड़ा सा कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं, बाजू में ट्रैफिक चल रही है, तो ये आवाज़ें जब स्वाभाविक हो जाती है तो जब हमेशा आती रहती है तो उससे हम उतना उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, विचलित नहीं होते। पर अचानक अभी कोई बड़े मशीन की आवाज़ अचानक आने लग गई, ये क्या है, कोई बड़ी गाड़ी जा रही है या कोई प्लेन जा रहा है या क्या हो रहा है। तो जब हम हमारे परिस्थिति में कुछ भी असाधारण देखते हैं तो उसके ओर हमारा ध्यान चल जाता है। तो जंगल में रहते थे, जंगल में अलग अलग प्रकार के जानवर चलते थे, तो जानवरों की आवाज़ अलग अलग प्रकार की आवाज़ें होती है, वो सब तो वहाँ पे स्वाभाविक था। पर एकाएक जब सुग्रीव ने देखा कि कुछ अलग ही आवाज़ आ रही है तो चौकन्ना हो गया, देखने लगा कौन है ये, क्या है ये। और जब सुग्रीव ने देखा कि यहाँ पे दो मानव चल रहे हैं तो फिर उसको अभी संशय होने लग गया कि मानव यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पे क्यों आए हैं। और जब यहाँ पे आए भी हैं तो उनका निरीक्षण करने लग गया तो उसने देखा कि ये कोई अजीब ही प्रकार के लग रहे हैं। क्यों अजीब प्रकार के लग रहे हैं? क्योंकि वो तो उनकी जो वेशभूषा है वो ऋषियों के समान है, पर साथ साथ उनके हाथ में धनुष्य बाण है। तो जब ऋषि मुनि है मतलब वो ब्राह्मण है, सन्यासी है, वैरागी ऐसे होता है, पर धनुष्य है मतलब ये तो योद्धा है। तो ये क्या है ये? हम जब दुनिया का निरीक्षण करते हैं हम सब हमारे मन में ऐसे कैटेगरीज बनाते हैं, विभाग बनाते हैं, और वो इस तरह से जो हमारे अनुभव है जो हम देख रहे हैं उसका विभाजन करके फिर हम उचित कार्य करते हैं। मान लीजिए हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, उनका चेहरा देखेंगे तो बोलिए कहाँ के है, ये बम्बई के है, बंगाल के है, अमेरिका के है, और फिर उसके अनुसार फिर हम फैसला करते हैं कैसे बात करना है, कौन सी भाषा में बात करना है। तो हम सब क्या है कि जो भी हम देखते हैं उसको कुछ विभागों में डालने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल सफ़ेद चेहरे का व्यक्ति है, शायद ये अमेरिकन है जिनसे इंग्लिश में बात करना चाहिए, पर अगर पहली बार जब मैं 20-25 साल पहले मंदिर में आया था
तो ऐसे एक अमेरिकन चेहरा देखा और फिर उस अमेरिकन चेहरे को मैं धोती कुर्ता में देखा, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो क्या है, धोती कुर्ता तो भारतीय देश है, चेहरा अमेरिकन है, अमेरिकन लोग जो है वो अलग प्रकार का कपड़े पहनते हैं। तो फिर क्या होता है, हम जब इस प्रकार का हमारे मन में विभाजन करते हैं, पर जब हमारे विभागों में कुछ फिट नहीं होता है तो हम प्रश्न होते हैं, क्या है ये, ठीक ऐसे क्यों है? तो उसी तरह से सुग्रीव के मन में सवाल आ गया, ये कौन है? ये ऋषि मुनि जैसा वेश है पर जो उनके धनुष है वो तो क्षत्रिय का लक्षण है। तो फिर थोड़े चौंकने हो गए और फिर क्योंकि सुग्रीव उस समय किसी एक व्यक्ति के बड़े भय में रहते थे, कौन था वो व्यक्ति? वाली। सुग्रीव और वाली में जो एक गलत फहमी हो गई थी उसके कारण वाली सुग्रीव का वध करने पे तुल गया था और सुग्रीव उसे बच के रहने का प्रयास कर रहा था। तो इसीलिए क्या हो रहा था, सुग्रीव को जो भी वो देखता था वह उस भय की दृष्टि से देखता था, कोई भी आ रहा है ये कौन है, किसी सुग्रीव ने वाली ने भेजा है इनको, शायद वाली ने ही भेजा होगा इनको मेरा वध करने के लिए, धनुष्यमान भी उनके पास है। अरे तो और उसे भय आ गया। तो क्या होता है, जब हम हमारे जीवन में कुछ भी कार्य करते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हम हमारे अनुभवों के अनुसार देखते हैं। सिर्फ हम ऐसे नहीं है कि ओके ये व्यक्ति मुझे आगे दिख गया या दिख गया, ऐसे नहीं, हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं वह अनुभव हमारी दृष्टि को एक तरह से प्रभावित करते हैं और इसके कारण वो हर एक व्यक्ति वही चीज़ देखेगा पर वो 10 व्यक्ति वही चीज़ नहीं देखते हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ देखता है। क्यों, क्या है, हमारी दृष्टि, हमारे मानसिक विभाजन और हमारे जो बौद्ध हमारे पूर्व अनुभव उनके अनुसार ये हमारी दृष्टि उसके अनुसार प्रभावित होती है। तो अभी साधारणतः अभी प्रभु श्री रामचंद्र को का दर्शन हो जाएगा तो बड़ा भाग्य मानेंगे, तो बड़े परम भाग्य परम आनंद की बात है। हम देखते हैं शबरी एक तरह से वाली जो थे, वाली तो सुग्रीव जो था वो भी एक योद्धा था, उसको अपने संरक्षण करने की क्षमता थी, खुद की तो कम से कम। पर जब शबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र को देखा तो दिव्य आनंद हो गया उसको, कि उसके मन में विचार अलग थे, उसके इच्छा हृदय की इच्छाएं अलग थी। तो हम जो भी देखते हैं वह क्या हमारे आंखों से नहीं देखते हैं, जो आंखों से देखते हैं वो हमारे मन में जो विचार है और खास करके हमारे पूर्व अनुभव है उसके अनुसार हम प्रभावित होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के भक्तों से मिलते हैं, तो उसके बाद में जिस प्रकार से हमारा पूर्व अनुभव हुआ है उसके अनुसार हम वो व्यक्ति को देखते हैं, वो चीज़ को देखते हैं, मंदिर को भी देखते हैं। मैं भी एक महीने पहले ही अमेरिका से आया, 3-4 महीने में अमेरिका में था, तो वहाँ पे अलग अलग जगह प्रचार कर रहा था। तो वहाँ पे मैं अमेरिका में कुछ ऐसे प्रांत है उनको बाइबल बेल्ट कहते हैं, बाइबल बेल्ट मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं। पूरा अमेरिका इतना क्रिश्चियनिटी से प्रभावित नहीं है पर कुछ कुछ प्रांत है, तो वहाँ पे जो कुछ कुछ क्रिश्चियन प्रचारक होते हैं वो इतना ज़बरदस्ती प्रचार करते हैं, ज़बरदस्ती प्रचार करते हैं कि लोग उससे तंग आ जाते हैं। तो मैं वहाँ पे एक व्यक्ति के, तो लोग अपने अपने कार के बम्पर पे अलग अलग कुछ स्लोगन लिखते हैं, तो एक कार के स्लोगन पे उन्होंने लिखा था, ओ गॉड प्लीज़ सेव मी फ्रॉम योर प्रीचर्स, हे भगवान कृपया आपके प्रचारकों से मुझे बचाओ आप। अभी भगवान तो उनके प्रचारकों के द्वारा हमें बचाते हैं, कि प्रचारकों के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान मिलता है और फिर उससे हम प्रगति करते हैं, पर अगर कोई ऐसे प्रचारक से मिल जाता है जो बहुत ज़बरदस्ती करता है, कोई कहता है कि तुम ये नहीं करोगे तुम नरक में जाओगे, तो ये कैसे लगती है, मुझसे बात नहीं करना है। तो कोई व्यक्ति जब किसी प्रचारक से मिलता है तो उसका पूर्व अनुभव जो होता है उसके अनुसार वो देखता है,
कौन है व्यक्ति, कैसे कर रहा है ये, क्या बातचीत कर रहा है। जब हम भी किसी से मिलते हैं तो कभी कभी कुछ लोग हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ लोग कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो हमको लगता है ऐसे व्यक्ति ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, तो क्या मेरे मुझ में कुछ गलती है। हो सकता है हमें कुछ गलती है, पर कभी कभी हम में गलती नहीं होगी कुछ, पर क्या है वो हमको देख के उनके मन में कुछ स्मृति हो रही है। तो प्रभु श्री रामचंद्र कुछ अपने धनुष निकाल किसी को तीर नहीं मारने का प्रयास कर रहे थे, पर क्या है सुग्रीव के मन में संशय था। तो जो होता है जब हमारे हम कुछ भी चीज़ अनुभव करते हैं, कुछ भी चीज़ को देखते हैं, उसमें जो हमारे मन में भावनाएं आती है वह केवल उस चीज़ से नहीं आती है, हमारे पूर्व अनुभवों से भी आती है। इसीलिए हम सबको जब हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस विल शेप आवर प्रेजेंट परसेप्शंस, बट दे शुडंट रिस्ट्रिक्ट आवर प्रेजेंट परसेप्शंस। हमारा पूर्व जो है हम सबको अभी प्रभावित करेगा, पर हमारा पूर्व हमें मर्यादित नहीं करना चाहिए। वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आर पास्ट, बट वी डोंट हैव टू बी द प्रिजनर्स ऑफ आर पास्ट। हमारे पूर्व से हम प्रभावित होने वाले हैं, पर किसी को एक चीज़ का बुरा अनुभव आ गया, कोई लोग होते हैं कभी मंदिर में आते हैं और कोई उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है। अब मंदिर में भी हज़ारों प्रकार के लोग, हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों प्रकार के लोग होते हैं, कोई व्यक्ति उनसे अच्छे से बात नहीं करता, मैं कभी मंदिर में नहीं जाऊँगा, नहीं ऐसे बात नहीं है। वो एक अनुभव के कारण हमें खुद को हमेशा के लिए मर्यादित नहीं कर देना है। हमारे अनुभवों से हम ज़रूर प्रभावित होंगे, पर हमें अनुभव से मर्यादित नहीं होने देना है। यहाँ पे सुग्रीव को क्या हो गया, वो क्योंकि उसका पूर्व अनुभव ऐसे था, तो प्रभु श्री राम को देख के ही तुरंत बहुत संशय आने लगा उसके मन में, ऐसे क्यों हो रहा है, कौन है ये। तो ये पहला पॉइंट था कि हमारे जो संशय आते हैं हमारे मन में, वो केवल उस परिस्थिति के कारण नहीं है, वो हम मन स्थिति के कारण भी होते हैं, हमारे जो पूर्व अनुभव है उसके कारण भी होते हैं। तो किसी का सवाल है इस पे? Any questions? Sorry? क्या क्यों हो गया? ओके, वो बड़ा सवाल है, ठीक है। राम जी को सीता पे संशय क्यों हुआ? राम जी को सीता पे कभी संशय नहीं था। अगर राम जी को सीता पे संशय होता तो फिर वह सीता को वनवास में भेज, सीता को अपने से दूर भेजने के बाद भी जब उनको यज्ञ करने थे तो यज्ञ में उन्होंने सीता की ही मूर्ति बना के अपने साथ रखी। तो अभी ऐसे यज्ञ करने होते तभी बहुत पवित्रता लगती है। अगर उनको लगता था कि सीता अपवित्र है तो फिर वो किसी और को ला के रख सकते थे, किसी और रानी से, किसी और कुमारी से, राजकुमारी से विवाह कर सकते थे, कोई और रानी ला सकते थे, पर उन्हें किसी और से विवाह भी नहीं किया और सीता की ही एक मूर्ति बना के अपने साथ में रखी। तो इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र को सीता पे कभी संशय नहीं था। जो परिस्थिति थी वो मैंने अभी एक रामायण पे ग्रंथ लिखा हुआ है, उसके मैं बाद में बताऊँगा, पर उसमें विस्तारित रूप से इस विषय पर चर्चा है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने सीता को अपने से दूर क्यों भेजा। अभी एक चीज़ है कि सीता को एक तरह से वनवास में नहीं भेजा था उन्होंने, जो वनवास जो था प्रभु श्री रामचंद्र जब गए थे तो अयोध्या से पूरा दूर जंगल में कुछ भी नहीं था। सीता को जब उन्होंने भेजा तो वो अपने ही राज्य में वाल्मीकि के आश्रम में भेजा था। तो एक तरह से वो वन में थे पर वनवास में नहीं थे, वो उनके ही राज्य में ही थे। तो अभी उस समय वैसे क्यों किया, वह उस परिस्थिति और उस संस्कृति को हमें समझना ज़रूरी है। जो राजा होता है उसको अनासक्ति का आदर्श दिखाना ज़रूरी है। इस भौतिक जगत में सब लोग आसक्त हो जाते आसानी से, तो राजा को सब लोग एक आदर्श मानते, सब लोग राजा से बनना चाहते। तो इसीलिए अब देखेंगे भागवतम में, महाभारत में, रामायण में, जो राजा होते हैं जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वैराग्य ले लेते हैं, जंगल में जाते हैं या रिटायरमेंट लेके फिर आध्यात्मिक कार्य करते हैं। तो उससे क्या है, वो एक मिसाल, एक उदाहरण दे रहे हैं लोगों को कि हमें सबको इतना सारा भौतिक चीज़ भोग का होते हुए भी वैराग्य दिखाना चाहिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र को वैराग्य दिखाना ज़रूरी था।
तो उस समय क्या हो गया कि कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी कि जो क्योंकि सीता लंका में रह रही थी तो इसलिए उनको वो अपवित्र हो गई थी। तो प्रभु श्री रामचंद्र को इसके बारे में कोई संशय नहीं था और जो अग्नि परीक्षा हुई थी उससे भी सारा संशय निकल गया था। पर ये अफवाहें ऐसी होती है कि जब वो फैलने लगती है वो अग्नि जैसे होती है। कि अभी मैं अभी कुछ समय पहले अमेरिका में था, अमेरिका में एक शहर है पैराडाइज नाम का, कैलिफोर्निया में, तो उसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज मतलब आपको जन्नत कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं, पर वो पैराडाइज अभी नर्क जैसे बन गया है। इतना बड़ा फॉरेस्ट फायर वहाँ पे आ गया, दावाग्नि आ गया, पूरा जो वो टाउन था पूरा जल के राख बन गया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। तो क्या होता है जब कोई अग्नि आती है तो कुछ कुछ अग्नियाँ ऐसी होती है कि उसको आप ध्यान मत दो, वो अपने आप बुझ जाती है। कुछ कुछ ऐसी अग्नियाँ होती है कि वो इतनी बढ़ जाती है किसी भी पद से बुझाना उनको मुश्किल होता है। तो जब किसी का ऐसा अफवाह फैलती है तो किस अफवाह का प्रतिकार करना है, किस अफवाह का दुर्लक्ष्य करना है और किस अफवाह के अनुसार हमें क्या कार्य करना है, वह उस परिस्थिति में ही हम समझ सकते हैं। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स नहीं है। तो उस समय अगर प्रभु श्री रामचंद्र जो भी ऐसा अफवाह फैला रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते थे तो लोग कहते थे कि आप कितने आसक्त हो, इतने पहले आप सीता से साथ ही रह रहे हो और अभी ये सीता के खिलाफ अगर कोई आरोप हो रहा है तो वो आरोपियों के खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए वह ऐसा कुछ कार्य कभी कर नहीं सकते थे। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि उनका एक पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी का संरक्षण करना, राजा का कर्तव्य है नागरिकों के लिए एक आदर्श प्रस्थापित करना। तो ये दोनों कर्तव्य दो अलग अलग दिशा में उनको खींच रहे थे। तो अभी इसमें से क्या करें, तो उसमें से उन्होंने फैसला किया कि दोनों कर्तव्य करने हैं पर अलग अलग पद्धति से। तो सीता को उन्होंने अपने ही राज्य में अपने से दूर भेज दिया जिससे कि वो उनके राज्य में ही थी इसलिए एक तरह से सुरक्षण था उनका, पर क्योंकि उनके साथ में नहीं थी तो इसीलिए लोग कुछ आरोप उस पर नहीं लगा सकते थे। और हर एक जो घटना होती है उसके अलग अलग स्तर पर कारण होते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि माधवाचार्य बताते हैं ये और वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब एक असुर था, अलग अलग प्रकार के असुर होते हैं जो अलग अलग प्रकार से अमरत्व प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो असुर था वो बड़ा खुद को बहुत चतुर मानता था, तो उसने एक ऐसा व्रत मांगा, उसने ऐसा वर मांगा कि जब तक लक्ष्मी नारायण साथ में है तब तक मेरा वध नहीं हो पाएगा। तो अभी वो असुर सारे ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लग गया। तो अभी वो सोचा था कि लक्ष्मी नारायण तो कभी अलग हो गए ही नहीं, तब मुझे कभी कोई वध नहीं कर पाएगा। अभी प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसे लीला की जब वो यहाँ जब भौतिक जगत पे आए थे कि राम और सीता अलग हो गए, और जब वो अलग हो गए तभी इंद्र ने उस असुर पे आक्रमण कर दिया। माधवाचार्य उनके महाभारत तत्व में बताते हैं। और फिर वो असुर फिर भी बहुत शक्तिशाली था तो बड़े काफ़ी समय तक युद्ध हुआ। और जब उस असुर का वध हो गया तभी प्रभु श्री रामचंद्र ने सीता को पुनः अपने पास बुला लिया। जानते हैं उसको हुआ बाद में कि लव और कुश के साथ युद्ध जब हुआ उसके बाद में सीता से पुनः उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया। तो यह है संशय के कारण नहीं हुआ था, ये केवल अफवाह के कारण भी नहीं हुआ था, ये उस समय कर्तव्य क्या उचित है उसके आधार पर उन्होंने कार्य किया था। और ये पूर्व या ब्रह्मांड में अलग अलग स्तर पर अलग चीज़ें होती है उसके अनुसार भी यह कारण था उन्होंने क्यों किया ऐसे। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हम आगे चर्चा करते हैं अभी कि जब सुग्रीव ने देखा ये कौन है, तो पहले भय आ गया। और जब भय आ जाता है ना तो हम दो चीज़ों का रिस्पॉन्स होता है हमारे, फाइट और फ्लाइट। कि जब भय आता है तो जो भी तो भय थे उसको, वो अगर हमसे छोटा है तो उसको पीटो, या अगर हमसे बड़ा है तो भाग जाओ वहाँ से। तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, किसी को पता है कौन से गुण हैं? सत्व, रजस और तमस। थैंक यू। तो अभी जो रजस में जो प्रतिक्रिया होती है वो फाइट, जब व्यक्ति रजोगुण में होता है कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी खतरा आता है, कुछ भी भय आता है, टूट पड़ो उस पर, उसको मार डालो, उसको विनाश कर दो उसका। जब हम तमस में होते हैं तो क्या होता है? फ्लाइट, भाग जाओ। तो जब हमारी खुद की क्षमता जो होती है
रजस में हम खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, खुद की जो क्षमता है उससे ज़्यादा हम खुद को क्षमता मान लेते हैं कि ये कितना बड़ा क्योंकि मैं उसको पीट दूंगा। और जब तमस में होते हैं हमारी क्षमता है उससे कम हम खुद को मान लेते हैं, तो रजस और तमस में उचित प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जैसे ही सुग्रीव ने देखा है ये कौन है, ये शायद ये मुझे मारने के लिए आए हैं, तो मैं इनका वध कर दूंगा। पर ये कौन है, वो तो भाग तो नहीं सकता था क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वो वाली से सुरक्षित था। वाली को एक शाप मिला था एक ऋषि के द्वारा कि तुम इस पंपा सरोवर के इलाके में नहीं आ सकते, इसलिए वाली खुद नहीं आ सकता था। तो सूर्य को भाई था वाली किसी को भेज देगा, तो वहाँ से भाग के जाने का वाली के पास कोई सुग्रीव के पास कोई चारा नहीं था। तो मैं इस पर आक्रमण करूँ या ना करूँ ये सोच रहा था, तभी क्या हुआ, सुग्रीव साहब जाम्बवंत थे, हनुमान जी भी थे, तो जाम्बवंत सुग्रीव के साथ थे। पर जो सुग्रीव को हमेशा वाली का भय था वह उतना वो जाम्बवंत को नहीं था। क्या होता है कि हमारे जीवन में एक अनुभव आता है, एक प्रकार का अनुभव आता है, और उस अनुभव के कारण हम हमारे सारे चीज़ों को उसी तरह से देखने लगते हैं। पर जो हमसे बहुत वरिष्ठ होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, आते हैं हमको। तो किसी एक चीज़ के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर हमारे सारे जीवन को की दृष्टि को हमें एक तरह से नहीं देखना चाहिए। तो जाम्बवंत वाले सुग्रीव से बहुत अनुभवी थे, तो जाम्बवंत ने कहा कि पहले आपको पता करना चाहिए कौन है ये, कुछ पहले ही आप कुछ आक्रमण ऐसे करने की बात मत करो। ठीक है, तो कैसे पता करें, तो उन्होंने कहा हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा कि आप जाओ और आप जांच करो। तो जब वो जांच करने चले गए तो उन्होंने कहा कि पहले आप ऐसे करो कि आप आपके स्वाभाविक वेश में मत जाओ, आप वानर हो पर एक ब्राह्मण बन जाओ और ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर जाओ। ये वास्तव में हनुमान जी भी बुद्धिमान थे, बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो हनुमान जी के बारे में उनका गुणा होता है कि बुद्धिमान, हम लोग वरिष्ठ है। तो वो उस विचार से वो वहाँ पे चले गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं कौन हूँ ये बताऊँगा नहीं मैं। तो वो वहाँ पे गए और फिर वो बात करने लग गए, जो ऊपर वो जो एक पहाड़ के ऊपर थे, पहाड़ से नीचे आ गए और फिर जो राम और लक्ष्मण जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते में सामने ही वे प्रकट हो गए। अभी वहाँ पर जो वैदिक संस्कृति थी तो उसमें ब्राह्मणों का आदर किया जाता था, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण के रूप में हैं, तो ब्राह्मण है तो श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पर रुक गए और ये ब्राह्मण ने भी उनका उनको ग्रीट किया, को आदर से दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और फिर वो बात करने लग गए। और तभी जैसे ही बात चालू हो गई, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम प्रधान चार पद्धति से एक दूसरे को हमारा अब कौन व्यक्ति कैसा है यह समझते हैं। चार पद्धतियों से क्या है, चार चीज़ें। पहला है हाउ दैट पर्सन लुक्स, व्हाट दैट पर्सन स्पीक्स, हाउ दैट पर्सन स्पीक्स एंड व्हाट दैट पर्सन डज। वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं और वो क्या करते हैं। अब आपके जीवन में भी देखिए, किसी को नया व्यक्ति मिलता है, देखिए कैसे किस प्रकार का वस्त्र पहने हैं उन्होंने, किस प्रकार के वो पहला इंप्रेशन होता है। जब बातचीत करने लगते हैं तो कैसे बात करते हैं, तो आप देखते हैं अच्छा ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अच्छा एजुकेटेड लगते हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, कितना शुद्ध हिंदी है इनका। तो कुछ लोग बोलते हैं तो उनकी भाषा में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक सेंटेंस भी वो एक बुरे शब्द के बिना, गाली दिए बिना बोल नहीं सकते। ऐसे होता है कि उनकी भाषा, अच्छा ये कैसे व्यक्ति है ये, तो क्या होता है क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, ये दोनों से हमारा इंप्रेशन फॉर्म होता है। और बाद में वो क्या करते हैं, अच्छा आप यहाँ पर नौकरी करते हो, आप ये करते हो, आपका ये बिजनेस है। तो हम सब जब किसी एक दूसरे से मिलते हैं तो ये चार चीज़ों से हम एक दूसरों को नापते हैं। और इसमें देखिए कि
कि सबसे पहला वो कैसे दिखते होता है, पर जो बोलते हैं वाणी का बहुत प्रभाव होता है, क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर किसी राजा को विश्व को जीतना है तो जितना उसको तलवार चलाना आना चाहिए उतना ही उसको जिह्वा चलाना चाहिए, क्योंकि राजा कितना ही वीर क्यों ना हो खुद सारे सेना से युद्ध नहीं कर सकता है। राजा को अपनी सेना को प्रेरणा देनी है, और प्रेरणा देते कैसे, भाषण से, अपने वचनों से। तो ये जो जीववाक शक्ति है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सब बोलना सीखते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे एक दो साल के होते हैं, माता पिता हमारे बुजुर्ग हमको सिखाते हैं कैसे बोलना है, पर तब हम सिर्फ भाषा सीखते हैं। भाषा सीखना और बोलना सीखना ये अलग है। भाषा तो सब लोग सीख लेते हैं, पर बोलना जो है वह सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। और बोलना सीखना मतलब क्या है, कुछ कुछ लोगों का ऐसे पहले से ही शक्ति होती है कि जब बोल लेते बड़े ओजस्वी होते हैं, जैसे बोल लगते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह से ऐसे गंगा का प्रवाह हो रहा है। तो वो जो ओजस्विता है, जो फ्लुएंसी है, वो शायद सब में नहीं आएगी, पर हम कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं ये दोनों हम खुद सब निर्धारित कर सकते हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम जो बोलते हैं उसमें और विद्वत्ता आ जाती है, उसमें और बुद्धि आ जाती है। इसीलिए भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि हमें हमारे जिह्वा की भी तपस्या होती है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। कि बोलते हैं इस तरह से बात करो कि दूसरों का मन विचलित ना हो, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, जो हितकर है वो बोलो, और शास्त्र के अनुसार जो है वो बोलो। मैं ये सब वाणी के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब राम और राम लक्ष्मण और हनुमान जब मिले तो अभी सुग्रीव का तो संशय था, पर हनुमान को जानकारी प्राप्त हुई कौन है ये। तो क्या होता है, अगर किसी को संशय होता है तो वो जानकारी देते नहीं है। अगर कोई आप हमारे घर पे नॉक करता है, पूछता है आप कौन हो, क्यों पूछ रहे हो तुम, हमारी जानकारी करके क्या करना चाहते हैं प्राप्त करके। तो क्या है, जब भी हमको कोई जानकारी प्राप्त करनी है सबसे पहले संशय कम करना चाहिए। तो हनुमान जी ये करते हैं, सब जब से ही वो आते हैं वहाँ पे तो हनुमान जी इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो एक न केवल ब्राह्मण का रूप लेते हैं पर ब्राह्मण की विद्वत्ता भी होती है। जैसे ही वो बोलने लगते हैं तो इतनी मधुर, इतनी अच्छी भाषा होती है कि प्रभु श्री रामचंद्र तब कहते हैं कि ये वचन सुन के ही मुझे इतनी शांति लग रही है, प्रसन्नता लग रही है। कुछ कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं इस तरह से है कि वहाँ से भाग जाने की इच्छा होती है। कुछ दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जहाँ आते हैं, कुछ लोग जहाँ जब आते हैं तो सुख लाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जब जाते हैं तब सुख लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब चले जाते हैं वो जब लोग होते हैं तो ऐसे लगता है कभी बम फूट जाएगा, मैं क्या बोलूँगा और क्या विस्फोट कर जाएगा पता नहीं होता। तो अभी होते हैं कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना मधुर बात करते हैं कि जब उनसे बात सुनते ही जाओ, सुनते जाते चलता है। तो जब इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र सुनते हैं, तो जब हम जब दो व्यक्ति किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं तो क्या होता है, उनसे भी बात करते हैं और हम एक दूसरे से थोड़े कम वाणी में कुछ बात करेंगे। तो जब हनुमान जी बात करते हैं तो तभी प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण से कि ये जो व्यक्ति है, गिरधारी भगवान की जय, कि ये बड़े विद्वान लगते हैं, इनकी वाणी सुन के मैं इतना प्रसन्न हो गया। तो लक्ष्मण तुम इनका हमारा परिचय उनको दो। तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें किसी से भी कुछ काम करना है तो सबसे पहले हमें हमारे क्या काम करना है वो बताना होगा, क्या काम कर जानकारी प्राप्त करनी है, उसे कुछ करवाना है, जो भी है हमारी वाणी को हमें मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह एक भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, ये एक तपस्या है। कैसे तपस्या है, क्योंकि क्या है कि हम सब में रजस होता है, तमस होता है, सब में कभी क्रोध होता है, गुस्सा, लोभ होता है। तो उसके कारण क्या होता है, अभी किसी में क्रोध आ जाता है
तो क्रोध आके, बहुत क्रोध आ जाए तो शायद वो हाथ उठा के किसी को मारेगा। तो साधारणतः जो थोड़े सुसंस्कृत लोग होते हैं वो हाथापाई तो नहीं करेंगे, वो हाथ उठा के किसी को मारेंगे नहीं, कैसे मारने लगे तो ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हो तुम, ऐसा कहे गया। पर जो लोग कभी हाथों से किसी पे प्रहार नहीं करेंगे वो अपने वचनों से बड़े आसानी से प्रहार कर देते हैं। जब हमारे शब्दों को हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे शब्दों से हम ऐसा प्रहार कर सकते हैं कि व्यक्ति का हृदय टूट जाता है। तो शब्दों को संतुलित रखना, ये शब्दों के द्वारा भी हिंसा हो सकती है, और ऐसी हिंसा होती है जो वचन, जो हाथों के द्वारा भी, जो जो किसी को लकड़ी से किसी को मारता है तो उससे जो हिंसा होती है उस व्यक्ति की हड्डियाँ टूटती है। तो हड्डियाँ टूट गई तो बड़ी हिंसा है, जोड़ना मुश्किल होता है, तो फिर जोड़ी जा सकती है। पर शब्दों से हृदय टूट जाते हैं, जब हृदय टूट जाते हैं तो हृदय को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अभी हम सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को भक्ति में लाने चाहते हैं, तो हम किस तरह से हम बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे परिवार में, दूसरे भक्तों के साथ, नए लोगों के साथ, जितना हम हमारे वचनों को उचित बना सकते हैं उतना हम जो है संशय को कम कर सकते हैं। तो जिस तरह से हनुमान जी ने जो समझ, जब रामचंद्र के पास गए तो वचनों से उनको आकर्षित कर दिया। तो ये दूसरा पॉइंट था कि हम सबको हमारे जिह्वा के इस्तेमाल में एक डिसिप्लिन, अनुशासन लाना है, जिससे कि हम जो आदान प्रदान है वो मधुर हो सके। किसी का कोई सवाल है इसके बारे में? यस, ओके, अच्छा सवाल है कि हम सब अपने गुणों के अनुसार बात करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं उनके गुण ही ऐसे होते हैं कि रजोगुण में तमोगुण में हो गए शायद, तो उनको मीठा बोलना चाहते हैं तो भी बोल नहीं पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं तभी? अच्छा सवाल है। तो क्या है, हमारे सबके जीवन में अगर हम तीन चीज़ों में विभाजन कर सकते हैं कि जो चीज़ मैं अभी बदल सकता हूँ, जो चीज़ मैं कुछ प्रयास के द्वारा बदल सकता हूँ, और जो चीज़ मैं बदल ही नहीं सकता, तो क्या होता है, सबके जीवन में ऐसी कुछ चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते। पर क्या होता है, कभी कभी जो चीज़ हम बदल नहीं सकते हैं वो उसको हम लेके क्या कहते हैं कि मैं ये भी बदल, कुछ भी बदल नहीं सकता। पर ऐसे नहीं है, कुछ व्यक्ति होते हैं, कोई सामने होगा व्यक्ति, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, बाजू हट, दूसरा व्यक्ति तो अभी काम तो वही करना है, इस व्यक्ति को आगे जाना है। पर कोई व्यक्ति बड़ी नम्रता से बोल सकता है, मधुरता से बोल सकता है, कोई व्यक्ति बड़ा एक तरह से रूडली बोल सकता है। तो अभी इसमें क्या है, हमें, हम सबको जो परिवर्तन करना होता है तो हमें देखना है क्या परिवर्तन मैं कर सकता हूँ। तो ज़रूर ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ हर एक व्यक्ति का गुण होता है, स्वभाव होता है, तो कुछ लोग स्वाभाविकता से मधुर बोलते हैं, कुछ लोग स्वाभाविकता से मधुर नहीं बोलते हैं। पर सब कुछ एक एक्सट्रीम है कि सब कुछ परिवर्तन कर दो, और दूसरा है, एक कौन है कि सब कुछ परिवर्तन करना है, दूसरा कौन है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम देख सकते हैं कि मैं क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, मतलब कि ठीक है मुझे क्रोध भी आ जाएगा तो फिर मैं उस समय कुछ नहीं बोलूँगा, मैं क्रोध के वश में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अब क्या है, हमारी भावनाएं जब आती है तो फिर हमें कुछ, कोई व्यक्ति ऐसे कुछ करता है जिससे कि क्रोध आ जाता है तो फिर हमें कुछ बोलना तो है तभी, पर तभी फैसला कर सकता मैं उस समय कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कम से कम उस समय एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, जो भी हुआ है हो जाए तो बाद में बात करूँगा इसके लिए, क्रोध के वश में मैं कुछ बोल दूँगा तो उचित नहीं होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये एक उदाहरण दिया मैंने, सोच सकते कि एक दिन रुक नहीं सकते तभी ठीक है, मैं कुछ भी बोलने के पहले 10 बार मैं मन ही मन में हरे कृष्ण महामंत्र बोलूँगा, थोड़ा सा खुद को शांत करने का प्रयास करूँगा, उसके बाद में बोलूँगा। तो जो हमारी परिस्थिति में हम कर सकते हैं उसके साथ शुरुआत करनी है। जो
ग्रीक माइथोलॉजी जो है, जो ग्रीस में जो उनकी कहानियाँ, उनमें एक कहानी थी, एक योद्धा था, वह एक बार एक मल्ल युद्ध था, तो मल्ल युद्ध में आया वो एक बड़े बैल को उठा के लेके आ गया। तो अभी जब वो बैल को लेके आ गया तो सब आश्चर्यचकित, अरे बाप कितना पहलवान है, पूरे बैल को उठा लिया, तो कोई भी उसे उठा नहीं सकता था, उसने कैसे उठा लिया। तो फिर उसकी कहानी क्या थी, तो जब बैल जब बछड़ा था, छोटा बछड़ा था, तो उसने रोज़ उस समय, आजकल डंबल्स वगैरह होते, वैसे डंबल्स नहीं थे, तो उसने अपने व्यायाम के लिए जब छोटा बछड़ा था तो वो बछड़े को उठाता था, और उसने फैसला किया मैं रोज़ बछड़े को 10 बार उठाऊंगा। तो अभी रोज़ उठाते गया, धीरे धीरे वो बछड़े का वज़न भी बढ़ते गया, पर अगर वो सीधा एक बड़े बैल को उठाने का प्रयास करता तो उठा नहीं पाता था, पर क्योंकि वो बछड़े को उठा रहा था और रोज़ उठाने का उसने फैसला कर दिया, तो बछड़ा बड़ा हो गया और उसने बैल को भी उठा लिया, जब बछड़ा बैल भी बन गया था। तो उसी तरह से क्या है कि हम जो कर सकते हैं अभी, कम से कम उतना तो शुरुआत करो। तो भले ही हम क्रोध में आके कुछ कटु बोल देते हैं, ठीक है कटु बोल दिया, अभी एक क्वेश्चन बोल दिया, एक वाक्य बोल दिया, 10 वाक्य बोल दिए, तो अभी उसके बाद में जैसे ही, अरे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, इतना क्रोध नहीं होना चाहिए था, जैसे ही ध्यान में आ जाए तभी रुक जाओ। जितना हम कर सकते हैं उसे शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या है कि अगर ये पूरा समस्या है तो इसमें ये मैं इसको परिवर्तन कर सकता हूँ, अभी ही परिवर्तन कर सकता हूँ, इसको मैं अभी इसको शायद परिवर्तन कभी कर ही नहीं पाऊँगा, और इसको थोड़ा प्रयास लगेगा। तो कैसे है, तो इससे शुरुआत करनी चाहिए, जिसको मैं परिवर्तित कर सकता हूँ उससे शुरुआत करनी चाहिए मुझे। उससे अगर शुरुआत करते हैं तो वो क्या है, एक बछड़े को उठाना है। तो अभी कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोई किसी पर्वत को तो उठा नहीं पाने वाला है, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, या हनुमान जी कर सकते हैं, पर वो कोई नहीं कर पाएगा। पर क्या है, तो कभी कभी क्या देखते हैं हम, ये जो विभाग है जो हम परिवर्तित कर ही नहीं सकते उसको देखते हैं, बोलते हैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो कैसे पहाड़ को उठाने के समान है। पर ये जो परिवर्तन कर सकते हैं वो एक बछड़े को उठाने के समान है। तो यहाँ से हम चालू करके धीरे धीरे खुद को बढ़ा सकते हैं, तो जो भी हम अभी हमारी परिस्थिति में कर सकते हैं उससे हम शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे उससे विकास हो सकता है। ओके, हरे कृष्ण। कोई और सवाल है किसी का? ओके, तो अभी आखिरी पॉइंट लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद में अंत में करके कुछ सवाल और सवाल हो गए तो हम देख सकते हैं। तो इसके बाद में जब हनुमान जी ने देखा कि ये हनुमान जी ने जब बताया कि वो कौन है, बोले कि मैं सुग्रीव का सच्ची हूँ। जब हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है, जब लक्ष्मण ने परिचय दिया कि वह अयोध्या के राजकुमार है, और जब उन्होंने बताया कि हम सुग्रीव की खोज में हैं और हम सुग्रीव से संधि करना चाहते हैं, जैसे ही हनुमान जी ने सुना ये बड़े प्रसन्न हो गए, और हनुमान जी कहने लग गए कि अरे वाह, यह तो जो मेरे प्रभु है उनसे ही मिला, मैं प्रभु श्री रामचंद्र मेरे परम स्वामी हैं और जो सुग्रीव मेरे राजा है, ये दोनों अभी राम ही सुग्रीव को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है ये तो। बड़े आनंद से बोले, तभी उन्होंने खुद का रूप प्रकट कर दिया, और खुद का रूप प्रकट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं सुग्रीव का सच्ची ही हूँ और मैं आपको सुग्रीव के पास ले जा सकता हूँ। तो फिर वो कहाँ है, तो बड़े राम प्रसन्न हो गए तभी। और तभी जब हनुमान जी पहाड़ के ऊपर है, तो बोले कि मैं, हम सब चढ़ जाएंगे पहाड़ के ऊपर, जरूरत नहीं, मैं आपको उठा के लेके जाऊँगा। उस समय अभी हनुमान जी क्या होता है, कई बार हनुमान जी कैसे परिस्थिति होती है कि उनकी शक्ति विशाल होती है पर उनका जो शरीर है वो किस रूप में वो भूल जाते हैं। जैसे बाद में जब लंका में भी जाते हैं वो, तो जब वो छोटे से रूप में जाते हैं, क्योंकि वो संदेह नहीं पड़ा कर जाते, छुप छुप के जाते हैं अंदर, पर एक छोटे से रूप में होते हैं वो। और जब सीता उनको बोलती है कि रावण ने धमकी दी है कि अगर मैं उसकी नहीं हो जाऊंगी तो वह मेरा वध कर देगा, वह मुझे अपना नाश्ते के रूप में खा लेगा, राक्षस था वो, तो अभी उसके लिए एक ही महीना बचा है। तो तभी हनुमान जी कहते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, ऐसे करो तुम मेरे कंधों पे बैठ जाओ, मैं तुमको यहाँ से अभी भगा के ले जाऊँगा। सीता कहती है, अरे तुम तो बंदर हो,
तो अगर बंदर का शरीर है, तुम्हारी बंदर की बुद्धि भी है, तुम मुझे कैसे उठा सकते हो? तो अभी हनुमान जी है वो तो बड़े बलवान हैं। अच्छा, अभी उनको कोई बड़ा बलवान व्यक्ति है उसको अगर बोलते हैं आप, क्या आप ये उठा सकते हो? क्या मतलब है, आराम से उठा सकता हूँ मैं, उसको बोलेंगे तो उनको बोलना चाहिए हमें, कृपया आप ये उठा, कृपया आप ये उठाओ। उठा सकते हो बोला तो क्या मतलब, ये उनकी शक्ति की चुनौती हो जाती है। हो हनुमान जी क्या करते हैं, तुरंत अपना शरीर बड़ा करने लगते हैं। तो सीता उनकी ओर ऐसे देख रही होती है, ऐसे देखो बड़ा महाकाय शरीर हो जाता है। तो तभी तभी सीता से कहते हैं, क्या है ये शरीर पर्याप्त है आपको उठाने के लिए? तो सीता फिर हंसने लगती, हाँ ये काफ़ी पर्याप्त है। उसी तरह से जब ये कहते हैं कि हनुमान जी कहते कि मैं आपको उठा के लेके जाऊँगा, तो फिर तभी बड़ा आश्चर्य कहते तुम कैसे उठाओगे हमें? तो तुरंत हनुमान जी क्या करते हैं, अपना शरीर बड़ा कर लेते हैं। तो जो भक्त होता है, जो भगवान के सामने आता है, भगवान के वरिष्ठ भक्त के सामने आता है, तभी नम्र भाव में आता है। जो भक्तों के सामने आते हैं तो हमें खुद का बड़ापन नहीं करना है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये कॉन्टैक्ट्स है, ये है वो, हम नम्र सेवा भाव, सेवक के भाव में आते हैं। पर अगर सेवा के लिए ज़रूरी है हमारे खुद के सामर्थ्य के बारे में बताना, तो फिर ज़रूर बताना चाहिए, तभी छिपाना नहीं चाहिए। अगर कोई सेवा करनी है तो अभी प्रभु की सेवा करनी है कि वो ऊपर पहाड़ के चढ़ते चढ़ जा सकते हैं, या हनुमान जी कूद के उनको लेके आ सकते हैं, उड़ के लेके आ सकते हैं, तो फिर सेवा है तो फिर क्या करते हैं, तुरंत अपना वो रूप बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा कर देते हैं रूप और कहते हैं, फिर वो झुक जाते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर बैठ जाओ। और जब बैठ जाते हैं तो फिर वो अभी हनुमान जी क्या होते हैं, वो तो भक्त हैं और तो भगवान के चरण कमलों का उनको आश्रय चाहिए, का को स्पर्श करना है उनको। तो अभी क्या है, भगवान उनके कंधे पे बैठे हैं तो उनको चरण स्पर्श करने का एक बहाना मिल जाता है कि वो उनके चरणों को पकड़ लेते हैं और फिर उड़ते हुए ऊपर चले जाते हैं। और जब ऊपर चले जाते हैं तो तभी क्या होता है, हनुमान जी फिर तो तभी सुग्रीव ऊपर से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है ये, क्योंकि जब ये बातचीत हो रही थी सुग्रीव ऊपर देख रहा होता है। फिर जब वो सब वापस ऊपर आने लगते हैं तो सुग्रीव सोचते हैं कि शायद हनुमान लेके आ रहे हैं इनको, मतलब कोई खतरा नहीं होगा। पर फिर हनुमान परिचय कराते हैं, फिर हनुमान सुग्रीव का परिचय कराते हैं राम लक्ष्मण से, और राम लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। और फिर उसके बाद में जब परिचय हो जाता है फिर देखते हैं कि दोनों की परिस्थिति बड़ी समान है। सुग्रीव भी अपने राज्य से एक तरह से वनवास में रह रहे हैं और राम भी अपने राज्य से वनवास में रह रहे हैं। सुग्रीव भी अपने वाली ने उनकी पत्नी को छीन लिया है, राम को भी रावण की उनकी पत्नी ने छीन लिया है। तो इतनी सारी समानता हो जाती है और फिर क्या होता है, दोनों में संधि बन जाती है। और दोनों में संधि जब बन जाती है तो हनुमान जी एक अग्नि लगाते हैं और अग्नि लगा के फिर वो संधि को जो फॉर्मलाइज कर देते हैं कि अभी आप दोनों, प्रभु श्याम कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः दे दूंगा और तुम फिर मुझे सीता को ढूंढने में मदद कर देना। ठीक उसी तरह से जो अभी हम सबके मन में अलग अलग थोड़े भय हो सकता है, संदेह हो सकता है, तो हनुमान जी जो है वो एक गुरु के प्रतीक है। तो हनुमान जी जो होते हैं वो सुग्रीव और राम को मिलाते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे गुरु होते हैं, और गुरु जो होते हैं एक नहीं होते, अनेक गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं पर अलग अलग प्रकार के शिक्षा गुरु होते हैं। जो भगवद्गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्त तत्त्वदर्शिनः। उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है भगवान ने वो बहुवचनीय है, एक वचन नहीं है, ज्ञानी तत्वदर्शिना नहीं है, ज्ञानिनस तत्त्वदर्शिनः है। तो हम सब अलग अलग गुरुओं से सीखते हैं, हमारे एक दीक्षा गुरु होते हैं पर अलग अलग प्रकार के अनेक गुरु होते हैं, उन सब से हम सीखते हैं। और वो सब क्या है, हम सबको हनुमान जी की भूमिका में जैसे होती है, उनको वो हमें भगवान के पास ले जाते हैं या भगवान को हमारे पास लाते हैं। दोनों हैं, एक है कि जब हम भक्त आते हैं हमारे घर में आते हैं, हमको रास्ते में मिलते हैं, हमें अलग अलग सेवाएँ देते हैं, वो हमें भगवान को हमारे पास ला रहे हैं। और जब भक्त हमको मंदिर में आने को बोलते हैं, यहाँ पे सत्संग करो, दर्शन करो, तो वो हमें भगवान के पास ला रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम भक्तों के सत्संग में रहते हैं
और हमारे मन में जो भी संशय है, जो भी भय है, जो भी सवाल है, जो भी है, अगर हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि कैसे, तो भगवान का अस्तित्व कैसे है, उसका क्या सबूत है, क्या आत्मा सचमुच में है, पुनर्जन्म सचमुच में होता है, कर्म का नियम क्या है, अलग अलग प्रकार के सवाल हमारे मन में हो सकते हैं। अगर भगवान है तो दुनिया में बुरी चीज़ें क्यों होती है, हर सवाल का जवाब है शास्त्रों में। तो अगर हम सवाल पूछते हैं, जितना सवालों का जवाब मिलता है उतना धीरे धीरे हमारा जो संदेह है वो निकल जाने लगता है। और जब संदेह निकल जाता है तो हमें देख पता चलता है कि वास्तव में भगवान और हम एक ही स्वभाव के हैं। भगवान आध्यात्मिक है, हम भी आध्यात्मिक हैं। जो भगवान चाहते हैं और हम चाहते हैं वास्तव में एक ही है। भगवान चाहते हैं कि हम परम सुखी हो जाए, हम भी चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए। तो वास्तव में हम सबकी संकल्पना है कि मुझे ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा मैं, मुझे वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो हम सबकी संकल्पना है कि हमें ये मिल जाने सुखी हो जाएगा, पर वास्तव में भगवान की एक योजना है। हमारी संकल्पना है पर हमारी संकल्पना केवल भगवान की योजना है, पर दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हम सबको सुखी बनाना है। भगवान सुहृदम सर्वभूतानां, वो सबके हित चिंतक है। तो जिस हद तक हम भगवान के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, जो गुरु के द्वारा सत्संग में प्रवचन सुन के सवालों का जवाब प्राप्त करके जितना हम स्पष्ट हो जाता है, तभी हमारा क्या होता है, भगवान में श्रद्धा है और वो बढ़ जाती है। और हमारी श्रद्धा ये बहुत बड़ी शक्ति है हमारी। हम सबके जीवन में समस्याएं आएगी और समस्याओं का निवारण करने के लिए अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। किसी को बीमारी आ जाती है तो फिर उसको दवाई चाहिए, किसी को स्कूल में एडमिशन चाहिए तो कुछ कॉन्टैक्ट चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। अलग अलग समस्याओं का अलग अलग प्रकार से निवारण कर सकते हैं, पर समस्या का सामना करने के लिए सबसे मूलभूत जो चीज़ है वह है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सकते। अगर किसी को बीमार हो गया है तो श्रद्धा नहीं है कि डॉक्टर ये डॉक्टर दवाई देके बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो फिर वो दवाई लेंगे ही नहीं, और दवाई लेंगे ही नहीं तो कभी ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे नहीं है कि श्रद्धा हमें सिर्फ भगवान में लगती है, हम हर चीज़ में श्रद्धा रखते हैं। अभी हम सब हमारे घर में जाते हैं, राहत मिलती है हमको, ठीक है बाहर गया था अभी घर में आराम से बैठूंगा, पर घर में बैठने में भी श्रद्धा लगती है हमको। क्यों? हमें श्रद्धा है कि नीचे भूकंप नहीं हो जाएगा, हमें श्रद्धा है कि ऊपर से हमारा जो घर है वो गिर नहीं जाएगा हमारे सिर के ऊपर। तो हर चीज़ के लिए श्रद्धा लगती है। मेरे एक मित्र थे, भक्त ही है, वो जापान में प्रचार करने के लिए गए थे और वो लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर देते समय भूकंप हो गया और जो रूफ था वो उनके सिर पे गिर गया। पर वहाँ पे क्या है कि उन्होंने ऐसा मटेरियल, ऐसे चीज़ से बनाए सारे घर बनाए होते कि कुछ गिर भी जाए तो ज़्यादा वजन नहीं होता उसका, तो कुछ हुआ नहीं। पर वो बोल रहे थे मुझे कि मेरे ज़िंदगी का सबसे ड्रामेटिक प्रवचन था वो। एक प्रवचन दे रहे हो अचानक सारा रूफ ही गिर गया। तो भागवत में क्या है कि पदम पदम यद विपदम, हर पद पे खतरा होता है, पर यहाँ पे बिना कोई पद लिए भी खतरा होता है। बैठे बैठे भी खतरा आ सकता है। तो क्या है कि हम सबको जब समस्याएं आएंगी, खतरे आएंगे, तो हम सबको श्रद्धा चाहिए कि जो भी हो रहा है इसके परे भगवान की योजना है। बुरी चीज़ें होती है जीवन में, पर कोई भी बुरा क्यों ना हो उससे भगवान अच्छा ला सकते हैं, और भगवान ज़रूर अच्छा लाएंगे। तो ये श्रद्धा जो है ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। सुग्रीव के लिए अगर वो वनवास में नहीं हो, वो जंगल में नहीं होते, तो शायद वो राम से नहीं मिलते, शायद राम से उनका संबंध इस तरह से हो वैसे नहीं होता। तो जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, ऐसे नहीं कि जो भी होता है वो अच्छा है, बुरी चीज़ें भी होती है जीवन में। जो भी होता है वो अच्छा नहीं होगा, फिर भी वो अच्छे के लिए होगा। एवरीथिंग दैट हैपन्स मे नॉट बी गुड, बट एवरीथिंग दैट हैपन्स कैन बी फॉर गुड। बुरी चीज़ें भी होती है, तो ऐसे नहीं है कि बुरी चीज़ों को अच्छा मानना है, नहीं, बुरी चीज़ें हैं, पर वो अगर हम श्रद्धा रखते हैं भगवान में, हमारा प्रयास करते रहेंगे तो बुरी चीज़ों से भी अच्छा ही ला सकते हैं। तो यही इस प्रसंग का सार है कि किस तरह से
जो वाली को सॉरी सुग्रीव को जो संशय था पहले, मैं सार में क्या है कि वाली को पहले संशय था, क्यों संशय था, कैसे राम उनको कोई खतरा तो नहीं थे, कोई चेतावनी धमकी नहीं दे रहे थे, पर हम जो देखते हैं वो हम सिर्फ देखने के आधार पर हमारी भावनाएं नहीं आती, हमारे हम सब विभाजन करने का प्रयास करते हैं, और जब किसी विभाग में बैठता नहीं है तो उससे हम विचलित हो जाते हैं, और हमारे पूर्व अनुभव अगर नकारात्मक हो गए तो उससे भय होने लगता है। तो जो लोग जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करते हैं वो शायद हमारी कोई गलती नहीं होगी, पर लोग हमको उनके पूर्व अनुभव के अनुसार कुछ नकारात्मक से देख सक रहे होते हैं। तो ऐसा होगा तो सिर्फ उसके आधार पर हमें कार्य नहीं करना है, या हमारे पूर्व अनुभव के अनुसार हम फाइट और फ्लाइट, आक्रमण करो या भाग जाओ, ऐसा होगा। पर सुग्रीव के साथ जाम्बवन थे, हनुमान जी थे, और उनसे सलाम मशवरा करने के कारण फिर उन्होंने हनुमान जी को दूत के रूप में भेजा, और हनुमान जी ने अपने मधुर वचनों से जो है प्रभु श्री रामचंद्र को आकर्षित कर लिया। तो हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो व्यक्ति कैसे लोग कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और क्या करते हैं, इसके द्वारा हम एक दूसरे का निरीक्षण करके जांच करते हैं, हम कुछ फैसला करते हैं व्यक्ति कैसा है। तो हम सब भाषा तो सीख जाते हैं, पर बोलना सीखना ये एक जीवन भर प्रयास करना है, एक सब हमको एक तपस्या है कि हम किस तरह से मधुरता से, सत्य ही बोलना है पर मधुरता से बोलना है, ये भगवान कहते हैं तपस्या है, और इससे हम हमारे संबंधों को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और फिर जैसे हनुमान जी राम और सुग्रीव का मिलन कराते हैं, वैसे हनुमान जी क्या है, वो हमारे गुरु के समान है, हमारे जो गुरुवर्ग होते हैं वह सब हमें हमारे जो भी संदेह है, जो भी प्रश्न है, जो भी नकारात्मक संकल्पनाएं हैं उनका निवारण करके, उनका हल करके वो हमें भगवान के पास ले जाते हैं, और जब भगवान के पास जाते हैं, जब वहाँ संशय निकल जाते हैं, हमें श्रद्धा बढ़ जाती है, और श्रद्धा ये सबसे बड़ी शक्ति है, जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, अगर भगवान में श्रद्धा है, श्रद्धा की शक्ति पर हम सारी समस्याओं का सामना करके उनके परे जा सकते हैं, बुरी चीज़ें हम सबके जीवन में होगी, तो ऐसे नहीं कि हम उन बुरी चीज़ों को अच्छा मानना है, बुरी चीज़ें बुरी है पर बुरी चीज़ों से भी अच्छा आ सकता है, और अगर हम भगवान की श्रद्धा रख के उनकी सेवा में लगे रहते हैं तो फिर बुराई से क्या अच्छाई आने वाली है वह भगवान हमें दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये जो है मेरा नया किताब है।